तो बच्चों उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे 30 मिनट्स की सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट फुल चैप्टर इन 30 मिनट्स और इसके बाकी जो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा मैं आगे भी बताऊंगा तो ये फुल चैप्टर जैसे आप देख रहे हैं थर्टी मिनट्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं हम लोग आपके लिए मैंने क्या किया है डिटेल्ड वन शॉट भी बना दिए हैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा पीवाई क्यूज एमसी डेरिवेशन इन सबको मैंने एक ही शीट में कवर कर दिया है ये देखिए यहाँ पर पीवाई वन शॉर्ट डिटेल्ड पीवाई क्यूज डेरीवेशन सब मौजूद है

का पी क्यूज है ट्वेल्थ पीसीएम जैसा आप देख रहे हैं चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज टेन इयर्स फुली शॉर्ट टू नाइनटी नाइन के अंदर मिल जाएगा मार्केट में लेने जाते हैं तो एक बुकलेट आपको मिलती है तीन चार सौ रुपए की यहां पर हम लोग तीनों का बैंक आपके लिए बनाया है क्योंकि तो तरह तरह के क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे एमसीक्यू एसोशियल रीजनिंग केस स्टडी वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग सबकी प्रैक्टिस आप इससे कर सकते हैं स्टडी वगैरह की भी और ये आपको जस्ट फोर के अंदर मिलने वाला है चारों सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं ऑल इन वन तो इसके लिए जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो कहां से इसको ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको अरविंद एकेडमी ऐप का लिंक मिलेगा क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए स्टोर सेक्शन में जाइए इन कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए और उसके बाद अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए चलिए बात को शुरू करते हैं जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है पढ़ाई स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे देखिए अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है लगातार बदलती रहती है और पीरियडिकली अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है जैसा आप फिगर में देख रहे हैं ये बदल रही है लगातार और एक

का होता है साइनोसोडली या फिजिक्स में बोलते हैं ऐसे ऐसे तो इस कर्व को साइनोसोडली बोलते हैं तो ये साइनोसोडल वेरिएशंस आपको इसके वोल्टेज में भी मिलता है और करंट में भी मिलता है तो यहां पर ये क्वेश्चन ई इज कल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से इसके वोल्टेज को रिप्रेजेंट आप करेंगे ई क्या है पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज जिसे आप बोलते हैं वोल्टेज एम्पलीट्यूड और ई e क्या होती है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज यानी किसी क्षण कितना वोल्टेज है ई e नॉट तो सबसे टॉप वाला वोल्टेज है मैक्सिमम ई e है इंस्टेंटेनियस और ओमेगा जो यहां पर यूज किया गया है उसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी से टू पाई एफ के अकॉर्डिंग होता है ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको भटकना ना पड़े आप इसको साथ में हैंडल कर पाए इसी तरह बात करेंगे तो अगर आप करंट की बात करेंगे तो आई इज गल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और ऐसे ही आई नॉट वगैरह क्या है करंट करंट एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ़ एंड सो ऑन जैसे मैंने पहले आपको बताया है एक कदम और आगे बढ़ाते हैं देखिए क्या होता है कि अल्टरनेटिव करंट के अंदर तीन वैल्यूज का डिस्कशन किया जाता है अगर आप अल्टरनेटिव करंट लेंगे एवरेज ओवर द कंप्लीट वन साइकिल वन साइकिल का मतलब क्या हो गया ये देखिए ऐसे ऐसे ये

इंट जीरो पॉइंट सिक्स थ्री सेवन आई नॉट के बराबर आई एवरेज हाफ साइकिल के लिए इसी तरह ई e एवरेज आ जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स

वैल्यू well, बेटा एक कदम और आगे बढ़ाते हैं फेजर्स की बात करते हैं देखिए क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट क्योंकि बदलाव लेती रहती है साइनसोडली इसलिए इसको हम सीधा ट्रीटमेंट नहीं कर पाते तो इसको स्टडी करने के लिए अगर हम वोल्टेज और करंट को वेक्टर की तरह ट्रीट करने लगे तो सारा रिजल्ट एक्सपेरिमेंटली जो आता है उसको हम एक्सप्लेन कर पाते हैं अगर हम वेक्टर वेक्टर तो होते नहीं है भाई पोटेंशियल और करंट वेक्टर थोड़ी है लेकिन वेक्टर की तरह ट्रीट करने पे हमारी पढ़ाई आसान हो जाती है तो जो ट्रीटमेंट हम करते हैं वो फेजर के फॉर्म में करते हैं फेजर क्या होता है एक रोटेटिंग वेक्टर रोटेटिंग वेक्टर फिल्मों में देखा होगा ना प्लेन जा रहा होता है तो राडार पे ये घूम रहा होता है तो यहां पर जो एरो बना हुआ है इस तरीके से घूम रहा है रोटेटिंग वेक्टर ओरिजिन के कॉन्टेक्स्ट में ठीक है जो ये रिप्रेजेंट करता है साइनस वेरिंग क्वांटिटी साइनसोडली वेरिंग का मतलब साइन कर्व जैसी बात में कर रहा हूं जो मैंने आपको बताया है इसको आप बोलते हैं फेजर्स ये जो रोटेटिंग रोटेट करेगा ऐसे, आप जैसे मैंने figure बनाया, ये ये e के लिए, ये I के लिए, लिए भी मैं इसको बताऊंगा तो किसे बोलते है, एक वैक्टर अब बात करते हैं अगली बेटा वेक्टर डायग्राम की तो वैक्टर डायग्राम क्या हो गया वेक्टर डायग्राम हो गया जिसके अंदर हम लोग आ,

वोल्टेज और करंट को आप फेजर के फॉर्म में शो करेंगे उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और साथ में प्रॉपर फेज एंगल के साथ जैसे यहां पर बातचीत की जाए तो ये जो व्हाइट कलर का वेक्टर आपको दिख रहा है ये ई नॉट ई एम एफ को दिखा रहे ई नॉट का मतलब पीक वैल्यू हो गई और इसी का प्रोजेक्शन आप इधर ले लेंगे अगर तो ये जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी ई e, जो ये लिखी हुई इंस्टेंटेनियस वैल्यू और ये e नॉट पीक वैल्यू देखिए i के लिए i नॉर्मली e नॉट से छोटा होता है इसलिए छोटा वेक्टर बना दिया है और ये इसकी टोटल लंबाई i नॉट है इसकी प्रोजेक्शन को y एक्सिस पे लेंगे तो ये जो वैल्यू है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है तो i नॉट ये समझ गए फेज की बात क्या हो गई e नॉट का फेज है ओमेगा t ये देखिए और ये जो i नॉट है इनका फेज है ओमेगा t phi पूरा लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में फाइ एंगल का फेस डिफरेंस तो इस एंगल्स को हम बोलते हैं फेज यहां पर तो प्रॉपर एंगल या प्रॉपर फेज आपको मेंशन करने होंगे फेजर डायग्राम के अंदर जो ई और आई की बात करेंगे ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू

कितनी छोटी सी बात है घटा दीजिए इसमें से ऊपर वाला तो केवल मिलेगा फाइव यानी यहां पर आप कह सकते हैं कि ई e और आई के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो आपका कितना है, है। एकदम और आगे बढ़ाते हैं अब अगली चीज़ आपके में, तो क्या होता है? भाई एसी सर्किट जो आपने बनाया है उसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट का जो टोटल अपोजिशन होता है एक तरह का रेजिस्टेंस समझिएगा इसका इसका जो एसआई आई यूनिट होता है वो ओमी होता है तो रेजिस्टेंस क्या काम करता है अपोजिशन टू द करेंट करंट फ्लो होने का विरोध करता है ऐसा समझ लें तो पूरा एसी सर्किट आपने बनाया है उसमें टोटल अपोजिशन टू द करंट जो हो रहा है उसको बोलते हैं इंपीडेंस उसकी ऐसा यूनिट ओम होती है इंपीडेंस को जेड से शो करते हैं ये जेड क्या है यह इंपीडेंसी है बेटा इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वी अपॉन आई या वी नॉट अपॉन आई नॉट पीक वैल्यू या आरएमएस वैल्यू का रेशियो ले लेंगे तो जेड आ जाएगा दूसरा एक टर्म आता है यहां पर नंबर टू इसको नंबर वन कह दो ये रिएक्टेंस है अब जब सर्किट में ना आपका ये मान लीजिए इंडक्टर या कैपेसिटर लगा होता है इसके अकेले अगर हम बात करें कि ये कितना ऑफर कर रहा है अपोजिशन टू द करंट तो उसका नाम दिया जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस ठीक है और ये कैपेसिटर जो ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस अपोजिशन टू द सर्किट उसको बोलते हैं एक्सएल से ओमेगा एल के बराबर और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को शो करते हैं एक्स सी इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हर जगह इस्तेमाल होंगे अल्टरनेटिंग करंट के अंदर तो जो इंडिविजुअल ये अपोजिशन टू द करंट प्रोवाइड करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल कैपेसिटिव रिएक्टेंस सी

करंट का डायरेक्शन तो बदलता रहेगा मैंने इसे एरो बना दिया है क्योंकि यहां पर ई e बदलेगा उसका भी वैल्यू आ जाता है आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी दोनों सेम फेज में होते हैं यहां पर देखिए दोनों के एंगल एक ही हैं सेम फेज में हैं सेम फेज होने का मतलब क्या होता है कि दोनों साथ साथ बढ़ेंगे और साथ साथ घटेंगे ये देखिए वेव फॉर्म बनाया या ग्राफ ऑफ ई एंड आई वर्सेस ओमेगा टी यहां पर देखिए दोनों बढ़े टॉप लेवल दोनों ने जीरो घटते तो साथ 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 इसी का मतलब होता है सेम फेज में होना तो ठीक है यहां पर आप समझ गए प्योर रजिस्टर सर्किट है केवल रजिस्टर लगा हुआ है तो आपको क्या हिसाब किताब यहां बनने वाला है यहां बनने वाला है कि ये सेम फेज में होगा तो यहाँ पर बच्चों देखिए ये साथ साथ बढ़ते हैं साथ साथ घटते हैं ध्यान रखिएगा ये दोनों के दोनों सेम फेज में होते हैं और यहां पर देखिए जाएंगे ये बहुत होती है। तो यहाँ पर हमने बनाया क्योंकि ई नॉट की वैल्यू ज्यादा होती है इसलिए लंबा वैक्टर बनाया और उसी डायरेक्शन में ये देखिए तो उसी डायरेक्शन में आई नॉट भी आपने खेच दिया है और इसको अगर प्रोजेक्शन ले लें तो ये इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वैल्यू वैल्यू मिल ये e की आपको मिल गई गई ये ये आपको आपको तो इस तरह से ये हो जाता है इसका डायग्राम जो आपको बनाना आना चाहिए आपसे पूछेंगे भी ध्यान यहाँ पर e और आई दोनों सेम फेज में होते हैं हैं दूसरी बात करते हैं, प्योर इंडक्टर सर्किट करंट लैक दीजिएगा करंट पीछे रहती है सेम फेज करंट लैग करती आप यहां यह भी कर सकते हैं कि करता है, है। करंट तो कर रहा है। तो कहीं पर ऐसा है लिखा हो या हो तो घबराइएगा नहीं इसका क्या पे? मतलब है e, जो है, इसका व्हाइट कलर से ग्राफ शो किया है और यहां पर आई पीछे है पाई बाईट जब, पीछ, जब नीचे होगा ये यह यहां पर तो इसका मतलब होता है पीछे जब ये ऊपर होगा ग्राफ में तो इसका मतलब होगा आगे है तो इस समय ये आई ये ग्राफ किसका है ये ग्राफ आई का है पीछे चल रहा है और इसका फेजर डायग्राम क्या हो गया देखिए ई नॉट आपने बनाया जो ओमेगा टी था ये देखिए ओमेगा टी यहां से बनाया और आई जो था वो पाई बाय टू पीछे था तो ये पाई बाय टू यहां एंगल खींच के पीछे शो करते ये फेजर डायग्राम हो गया किसका ओनली

फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है एक्सेल भाई जितनी फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे हम उतना एक्सेल बढ़ जाएगा लेकिन डीसी के लिए हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्योंकि जीरो होती है इसलिए यहां पर एक्सएल जीरो होगा यानी कि इंडक्टिव सर्किट अगर है तो वो डीसी को अलाउ करता है उसके लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं रखता आराम से तो डीसी निकल जाएगी क्योंकि वहां पर फ्रीक्वेंसी है लेकिन अल्टरनेटिंग करंट की अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसके लिए ज्यादा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा ये जो ग्राफ है एक्सएल और एफ के बीच में ये ग्राफ आपसे एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता ये है ये वेरी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट लाइन आती है क्योंकि आप जान रहे हैं यहां पर एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू एफ आ रहा है तो दिस विल गिव यू स्ट्रेट लाइन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी ई आर एम एस

एल बढ़ने से एक्सएल बढ़ जाएगा क्योंकि बराबर इज इक्वल टू ओमेगा तो की कम कम रोशनी तो कम हो जाएगी जब बाहर निकालेंगे आयरन रॉड टेकिंग आउट तो उस समय बल्ब की रोशनी बढ़ जाएगी ये बहुत क्वेश्चन आपके पूछा जाता है इसलिए मैंने सोचा आपके सामने इसको लाके रख दूं अगली बात हम लोग करेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए केवल कैपेसिटर लगा हुआ है इसमें देखिए क्या होता है इजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का फॉर्म ये हो गया सोर्स का ईएमएफ और करंट यहां पर लीड करती है देखिए एंगल ओमेगा टी से प्लस पाई बाई टू है तो करंट आगे रहती है ईएमएफ से सेम फेज में नहीं होती है ये मैंने यहां पे लिखा भी है पाई बाई से करंट लीड करती है इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट यहां पे देखिए ईएमएफ चर्चा कर रहे हैं और करंट आगे है इस ग्राफ में जीरो से ऊपर है तो करंट इज लीडिंग बाई पाई बाई टू ये फेजर डायग्राम हो गया आपने ई e नॉट बना दिया ई e. और उससे करंट लीड कर रही है ये देखिए पाई बाई टू आगे खींच दिया ये इंस्टेंटेनियस

तो अपोजिशन टू द करंट कम होगा यानी अल्टरनेटिंग करंट को कैपेसिटर अलाउ करता है अपने से जाना क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और डीसी के लिए क्या होता है फ्रीक्वेंसी जीरो यानी एक्ससी इंफिनिटी यानी अगर डीसी करंट है तो कैपेसिटर इसको अलाउ नहीं करेगा क्योंकि अपोजिशन टू द करंट कितना है है अब ये ये जो कर्व है, ये कर्व को याद कर लीजिए एक्ससीएफ के बीच में करंट के लिए ये इस बिहेवियर से एक्ससी घटता है ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो ये क्लैरिटी आपको यहां से मिल जाती है अगली बात करते हैं एल आर सर्किट मतलब यहां पर देखिए एल बी लगा हुआ है आर भी लगा हुआ है तो एल आर सर्किट में

वेक्टर एडिशन हो जाएगा तो ये जो कर्व आता है ये जो लाइन आती है दिस इज ई ई का मतलब जो आप ई नॉट साइन ओमेगा टी इसके बराबर लीड तो e कर रहा है एंगल से. क्योंकि ये लगा हुआ है ना तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है इज टू नॉट साइन ओमेगा टी और ई e लीड कर रहा है यानी आई लैक कर रहा है तो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव फाइव से ये

और ये V दोनों एक डायरेक्शन में है और VC इससे पीछे है इससे पीछे बाय बाई टू लेट कैल का दिख रहा है ये पीछे अब इस VC का और इस VR का रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट ये आ जाता है ई अब e जो है ये देखिए इस करंट से पीछे फाइव एंगल तो इसमें कह सकते हैं कि करंट लीड करती है या ई एम एफ लैक करता है ये देखिए इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा करंट लीड कर रही है तो ओमेगा टी प्लस फाइव कर दिया ये फाइव जो फेज एंगल है वो कहां से आएगा टेन फाइव इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर या वन अपॉन ओमेगा से आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी ये हो सी आर सर्किट अगली जब आप बात करेंगे तो ये सीरीज सर्किट तीनों एक साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जैसा मैंने आपको समझाया था इसमें तीनों कंपोनेंट है आर में करेंट और वी आर एक ही डायरेक्शन में है और एल की बात करें तो करेंट से नाइंटी डिग्री वी एल आगे है और कैपेसिटर में आई से वीएल नाइंटी डिग्री पीछे है

इस VR का इनका रिजल्टेंट निकालोगे तो ई e की डायरेक्शन में आ जाएगा इस वी एल माइनस वी सी का और इस वी आर का इसका क्या मतलब हो गया कि ई e लीड कर रही देखिए ये जो एंगल एंगल है इससे ई लीड कर रही आई से तो यहां पर आपका जो ई इज टू ई नॉट साइन ओमेगा टी सोर्स का फॉर्मूला होता है करंट का अगर आप लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे आई इज इकल टू आई नॉट क्योंकि करंट पीछे है उसको लिखोगे साइन ओमेगा टी माइनस किस केस की बात कर रहा हूं जब वी एल इज ग्रेटर देन वी सी अगर उल्टा होगा तो कुछ कहानी उल्टी होगी जो मैं आगे बताऊंगा और ये टेन फाइव कहां से निकाल सकते हो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर ये इंपीडेंस ट्रेंगल भी बना दिया है जहां पर आपको दिखाया जाता है कि बना के दिखाओ तो इस डायरेक्शन में एक्सएल माइनस एक्सी ये देखिए इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं और ये नीचे वाला आर यानी ये डायरेक्शन हो गई और ये ई की डायरेक्शन में कितना आ जाएगा जेड इम्पीडेंस इसको इम्पीडेंस ट्रेंगल कहते हैं ये आपकी पूरी कहानी क्या हो गई सीरीज एलसीआर सर्किट की कहानी अब देखिए इसी कहानी में जो मैं आपको पता बता रहा था स्पेशल केस पहला स्पेशल केस क्या होता है वीएल इज ग्रेटर देन वी, वी जो मैंने अभी आपको समझाया है तो उसके केस में ये फॉर्मूला होता है इज गई नॉट साइन ओमेगा और आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव क्योंकि करंट लीड लैग करती है ई e से ये ये डोमिनेट डोमिनेंस किसका होता है इसमें इंडक्टिव सर्किट का हमेशा ध्यान रखिएगा अगर वीएल बड़ा होता है विसी से तो ये वीएल डोमिनेट कर जाता है वी एल डोमिनेट करने का मतलब क्या है ई एम एफ नाइनटी ई एम एफ कुछ फेज से आई से ज्यादा होगा और वो फेज एंगल आप यहां से निकाल सकते हैं आर से निकाल उसको पावर फैक्टर बोलते हैं आगे भी देखेंगे और एक्सएल माइनस एक्स अपॉन आर अगर दूसरी जगह एक्सल हमारा कम हो जाए ये देखिए वीएल अगर छोटा है वीसी बड़ा है तो कैपेसिटिव सर्किट का डोमिनेंस हो जाता है यहां पर तो यहां पर ई इज टू नॉट साइन ओमेगा और आई की वैल्यू हो जाएगी आई लीड करेगा क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है आई लीड करता है और फाइव की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं कॉस फाइव से या टेन फाइव से एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर से तीसरी बात अगर दोनों बराबर हो जाए

जब मैक्सिमम करंट मिलने शुरू हो जाएगी सीरीज एलसीआर में वो रेजोनेंस कंडीशन होती है कब अचीव होती है जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाए और इस कंडीशन पर एंगुलर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कितनी होती है वन अपॉन अंडर रूट एलसी

यानी ऐसा सर्किट आपका बने कि एवरेज पावर कंजम्पशन विल बी जीरो तो ऐसी करंट कहलाएगी वॉटलेस करंट

है ये पावर कंजम्पन में कोई रोल अदा नहीं करेगा जो भी पावर कंजम्पन होगा आई आर एम एस कॉस्फाई के बराबर होगा तो इसकी वजह से इसी को हम बोलते हैं वॉटलेस करंट क्योंकि ये करंट जो है वो किसी काम की नहीं है पावर कंजम्पन जीरो दिखाती है तो ये वॉटलेस करंट का आपके फंडा क्लियर हो जाता है अगली बात करते हैं ट्रांसफार्मर की तो ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो केवल

होता है तो प्राइमरी में ज्यादा नंबर ऑफ टर्स होते हैं सेकेंडरी में कम होते हैं लगा आपको दिख रहा है तो स्टेप अप, स्टेप डाउन भी आप समझ गए होंगे अब ये इसका प्रिंसिपल भी आपसे पूछा जाता है तो बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है कि प्राइमरी ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है देखिए

हीट अप हो जाती है पावर लॉस कर देती है, hysteresis loss. Hysteresis loss का मतलब है एक बार मैग्नेटाइजेशन हो रहा है एक बार डी मैग्नेटाइजेशन हो रहा है उस मैग्नेटाइजेशन और डी मैगनेटाइजेशन क्योंकि करंट में बदलाव हो रहा है इसकी वजह से आपको हिस्टेरिसिस लॉस मिलता है हिस्टेरिसिस अब कोर्स में नहीं है लेकिन हिस्टेरिसिस लॉस इतना समझ लीजिए कि मैग्नेटाइज और डी मैग्नेटाइज होने की वजह से पावर का लॉस होता है एनर्जी का लॉस होता है फ्लक्स लिंकेज मान लीजिए पहले में ये इससे जो है पूरा फ्लक्स यहाँ पे लिंक नहीं किया है कुछ लीक कर गया है तो फ्लक्स लीक कर जाएगा तो आपकी जो पावर है वो लॉस कर जाएगी एनर्जी लॉस हो जाएगा हाइमिंग लॉस आवाज आती है मैग्नेटो कंस्ट्रक्शन से आप किसी भी ट्रांसफार्मर के पास जाके सुनेंगे ऐसी आवाज मिलती है इसे बोलते हैं हमिंग लॉस ये क्यों होता है क्योंकि जो कॉयल होती है वो एक्सपैंड करती है और सिकुड़ती है बढ़ने एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन की वजह से हमिंग की साउंड आती है और हमिंग क्योंकि हमिंग की साउंड आ रही तो एनर्जी कहीं से लग रही है ना उसे बोलते हैं आपको क्या एनर्जी हमिंग लॉसेस ये लॉसेज हो गए आपके

फिर करंट कम कर दोगे तो जूल्स वीटिंग के हिसाब से हीट लॉस कम हो जाएगा तो पावर अगर इक्वल टू वी है टोटल पावर उसमें आई आप घटा दोगे तो आई घटाने से जूल्स लाख कम और आई घटेगा कब जब वी बढ़ाओगे तो हम लोग यहां पर पावर जनरेशन में क्या करते हैं बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करते हैं एक लाख बत्तीस हजार वोल्टे ट्रांसमिशन करते हैं फिर घर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं और घर के पास में स्टेप डाउन 220 वोल्ट करके कनेक्ट कर लेते हैं जिससे कि एनर्जी लॉसेस कम हो हमारे घर तक बिजली पहुंच सके ये पूरा चैप्टर मैंने कवर करा दिया थर्टी मिनट्स के अंदर अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा थैंक यू वेरी मच सब्सक्राइब कीजिए अरविंद अकेडमी चैनल को थैंक यू गुड लक टू यू